हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। होली के अवसर पर त्योहार मनाते समय सावधानी बरतने की जन जागृति करने के उद्देश्य से समाजसेवी दीपक लालवानी दंपति द्वारा बनाए गए होली सुरक्षा संदेश रथ का पुलिस आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के शुभास्ते उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त यातायात सारंग डी आवड़ प्रमुख रूप से उपस्थित थे। होली सुरक्षा संदेश रथ पर त्योहार मनाते समय बरती जाने वाली सावधानी के संबंध में कुछ मुख्य संदेश इस प्रकार है। होली खेलते समय प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें, अपने चेहरे आंख एवं त्वचा को लेकर सतर्क रहें, नशा करके होली न खेले एवं नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाए, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करे, वाहन धीरे चलाए, अपना व दूसरों का बहुमूल्य जीवन सुरक्षित बनाए। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि होली का त्यौहार मनाते समय सावधानी बरतने के बारे में जागरूकता निर्माण करने के लिए होली सुरक्षा संदेश रथ एक सराहनीय उपक्रम है। इस अभिनव कार्य द्वारा लोगों में जागरूकता निर्माण पैदा करने के लिए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दीपक एजेंसी के संचालक दीपक लालवानी तथा जयश्री ट्रेडर्स के संचालिका सोनल लालवानी की सराहना की। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी का पदाधिकारी सम्मेलन गणेशपीठ स्थित भाजपा मुख्य कार्यालय में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी कामगार आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश ताठे उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम महापुरुषों का अभिवादन किया गया, बाद में प्रदेश अध्यक्ष गणेश ताठे, भाजपा कामगार आघाड़ी के प्रदेश सरचिटनीस तथा विधायक चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक विकास कुंभारे, कामगार आघाड़ी के प्रदेश सरचिटनीस शरदराव पाटिल, प्रमोद जाधव, अजय दुबे, हनुमंत अण्णा लांडगे, उपाध्यक्ष राजा सौदे, सचिव जयसिंह कछवा, रामनारायण श्रीवास, सदस्य प्रमोद डिमोले, मंगेश चव्हाण, पश्चिम विदर्भ अध्यक्ष भाग्यश्री देशमुख, राम बंबुलकर और पूर्व व पश्चिम विदर्भ के पदाधिकारियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रास्ताविक भाषण भाजपा कामगार आघाड़ी के शहर अध्यक्ष भास्कर पराते ने दिया। विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और आने वाले मनपा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कामगारों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने तमाम प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश दिए कि सभी जिलों के अध्यक्षों का रिपोर्ट बनवाकर उसका विश्लेषण किया जाए और उसे संबंधित प्रदेश कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। श्री दिगंबर जैन महासमिति महाराष्ट्र प्रदेश का दो दिवसीय अधिवेशन श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में संपन्न हुआ। शनिवार को श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मणिन्द्र जैन, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अभय कुमार पनवेलकर, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण जैन, श्री दिगंबर महिला महासमिति की राष्ट्रीय अध्यक्षा शीला डोडिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉ. वंदना जैन, राष्ट्रीय संयोजक डॉ. ऋचा जैन, मनोहरलाल टोंगिया, महासमिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जैन पिंडारी, प्रदेश महामंत्री सुधीर आगरेकर की उपस्थिति में ध्वजारोहण हुआ। विद्यासागर भवन में हुए इस समारोह में प्रमुख अतिथि डॉ. मणिन्द्र जैन, प्रवीण जैन, अभय कुमार पनवेलकर, शीला डोडिया, डॉ. वंदना जैन, सुनील जैन पिंडारी, डॉ. ऋचा जैन, मनोहरलाल टोंगिया, उषा उदापुरकर, सुधीर आगरेकर, एडवोकेट वैशाली वालचाले, आनंदराव सवाने, महेंद्र पेंढारी आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंगलाचरण और स्वागत गीत पंकज खेड़कर, राजेंद्र सोनटक के नीता जैन पेंढारी ने प्रस्तुत किया। अधिवेशन का प्रास्ताविक भाषण सुधीर आगरेकर ने दिया, स्वागत भाषण सुनील जैन पिंडारी ने दिया, समारोह का संचालन नितिन नखाते और सूरज जैन पिंडारी ने किया, आभार प्रदर्शन अरविंद हनवंते ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मणिन्द्र जैन ने अपने संबोधन में कहा, महासमिति के कार्य अत्यंत सराहनीय है और देश के शीर्षस्थ व्यक्ति महासमिति के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा मराठवाड़ा विभाग संस्कार संस्कृति संवर्धन समिति द्वारा पारिवारिक समरसता विषय पर परिसंवाद और व्याख्यान का आयोजन नागपुर निवासी शरद बागड़ी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा मराठवाड़ा विभाग उपाध्यक्ष संजय दाड़ द्वारा दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना से हुआ। अतिथियों का स्वागत तथा प्रस्तावना समिति संयोजिका कल्पना मालू ने किया, जिसमें उन्होंने पिछले दो साल में समिति द्वारा लिए गए विविध सामाजिक कार्यों की जानकारी सभी के समक्ष रखी। प्रमुख अतिथि संजय दाड़ ने सभागृह को आशीर्वचन दिए तथा विशेष अतिथि संजय मंत्री ने सभी श्रोताओं को प्रेरित करते हुए समिति को भविष्य में भी यही ऊर्जा बरकरार रखने हेतु शुभकामनाएं दी। प्रमुख वक्ता शरद बागड़ी का परिचय अनोखे अंदाज में वीडियो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द्वारा समिति के सहसंयोजक सीए पवन कुमार झवर ने कराया।
उसके बाद समिति संयोजिका कल्पना मालू एवं सहसंयोजक सीए पवन कुमार झवर द्वारा पूछे गए सवालों पर प्रमुख वक्ता शरद बागड़ी ने बड़ी सरल सटीक तरीके से तथा व्यक्तिगत अनुभव का उदाहरण देकर मार्गदर्शन किया। प्रमुख वक्ता शरद बागड़ी ने अपनी आज तक की समाज सेवा तथा देश विदेश में पाए गए तमाम पुरस्कारों का श्रेय अपने माता पिता को दिया। मध्य नागपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से डिजिटल सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम के साथ साथ मध्य नागपुर प्रभारी आशीष दीक्षित, नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो, कांग्रेस महासचिव रवि गौर, कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि गाड़गे पाटिल, कांग्रेस महासचिव महेश श्रीवास, वरिष्ठ महासचिव अतिक कुरेशी, ब्लॉक उपाध्यक्ष मदन गौर, सचिव विजय साखरे, पंकज गौर मुख्य रूप से उपस्थित थे। स्मॉल फैक्ट्री एरिया स्थित लकड़गंज परिसर के नवनिर्मित राजस्थानी ब्रह्म समाज भवन में रविवार को राजस्थानी ब्रह्म समाज की आम सभा आयोजित की गई। इस सभा में समाज के सभी वरिष्ठ सदस्य मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस आम सभा का उद्देश्य संस्था के लिए नए अध्यक्ष का चुनाव करना भी था, जिसके तहत कुशल नेतृत्व ब्राह्मण संस्थाओं को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विविध संगठनों को एकत्रित करने वाले विश्वजीत मोहन कुमार भगत का नाम अध्यक्ष के पद के लिए सर्वसम्मति से पारित हुआ। नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर विश्वजीत भगत ने समाज के सभी लोगों का आभार माना और अपने उद्बोधन में कहा कि वह अपने पिता के कदमों पर चलते हुए समाज के सभी लोगों की हर संभव मदद की और आगे भी वे ऐसे ही तत्पर रहेंगे और समाज के विकास में जो भी योगदान उनसे हो सकेगा वे जरूर करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, इस आशय के विचार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य और पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखा कुंभारे ने व्यक्त किए। 3 दिवसीय सांसद औद्योगिक महोत्सव का समापन MIA हाउस हिंगना MIDC में हुआ। MSME विकास निगम नागपुर और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विभिन्न उद्योग संघों के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। एडवोकेट कुंभारे समापन समारोह के अवसर पर भाषण दे रही थी। इस अवसर पर पूर्व जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे और MSME DEI के निदेशक PM पार्लेवार उपस्थित थे। सांसद औद्योगिक महोत्सव के आयोजन से निश्चित रूप से विदर्भ में MSME क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। जनजातीय विकास आयुक्तालय के आयुक्त एवं नागपुर जिले के पूर्व जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने कहा कि उद्यमियों के आत्मनिर्भर बनने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। MSME DEI के निदेशक PM पार्लेवार ने भी प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के औद्योगिक एक्सपो और विक्रेता बैठक MSME क्षेत्र के बारे में विदर्भ के लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने में मददगार साबित हुआ है और आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करने की आवश्यकता है। पश्चिम नागपुर AIMIM की ओर से जिला प्रभारी निसार सिद्दीकी के नेतृत्व में शहर के बेग हार्डवेयर के सामने अहबाब चौक और अन्य स्थानों में टीकाकरण शिविर, इलेक्शन कार्ड और ई श्रम कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। शहर में आयोजित शिविर में लोगों का भारी प्रतिसाद मिला। स्थानीय नागरिकों ने भी इन शिविरों की सराहना की। शिविर में SPM NGO के डॉक्टर शबी, ऋषिकेश मेश्राम और सुनीता जामगड़े का महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिविर को सफल बनाने के लिए पश्चिम नागपुर AIMIM के अध्यक्ष मोहम्मद जफर सोलंकी, मोहसिन पठान, शफीक मिर्जा, सलाउद्दीन गाजी, हारिस सोलंकी, एहतेशाम अली, सकलैन मुश्ताक, फरमान सलीम भाई, वहीद भाई आदि कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंजाब में आपकी विजय क्या इस बात के संकेत है कि अब देश में कांग्रेस की जगह आप ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए खड़ी हो रही है? क्या इसका यह अर्थ निकाला जाए कि अब देश में कांग्रेस के विकल्प के रूप में आपको स्वीकारा जाने लगा है? 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते हंगामे का माहौल था, इसे दिल्ली का सेमीफाइनल तक कहा गया है। तमाम विरोधी पार्टियों द्वारा उत्तर प्रदेश से लेकर मणिपुर तक भाजपा को घेरने के हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन वे नाकाम रहे। यहाँ तक तो ठीक है, पर कांग्रेस और भाजपा की इस रस्साकशी में आम आदमी पार्टी ने जो किया वो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चमत्कार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से कांग्रेस की सरकार को बाहर करके कब्जा जमा लिया है। चुनाव परिणाम भले भारतीय जनता पार्टी की मंशा के अनुरूप पाए हो, पर आपकी जीत उसके लिए भी खतरे की घंटी की तरह ही है। पंजाब में सत्ता के गलियारों से दूर हुई कांग्रेस को देखकर यह कहा जा सकता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम के अंतर्गत एक और सफलता प्राप्त हुई है। इस आशय के विचार आम आदमी पार्टी के नेता आकाश सफेलकर ने व्यक्त किए। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण
18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। उपमुख्य टिकट निरीक्षक संतोष बावनथड़े नागपुर द्वारा गाड़ी नंबर 18240 में टिकट चेकिंग कार्य करने के दौरान तिल्दा स्टेशन में इस गाड़ी के एसी फास्ट केबी कैबिन में एक बैग मिला। तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वाणिज्य नियंत्रक रायपुर को सूचना दी, जिससे ये बैग यात्री को वापस दी जा सकी। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर द्वारा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास कुमार कश्यप की उपस्थिति में उपमुख्य टिकट निरीक्षक संतोष बावनथड़े नागपुर को उनके द्वारा दिए गए निष्ठापूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप प्रशस्त पत्र तथा 1000 रुपए नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। विदर्भ सेवा समिति एवं श्री दिगंबर जैन महिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में होलिकोत्सव महिला दिवस कार्यक्रम एवं कवियत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें विदुषी कवियत्री सरिता सरोज, श्रद्धा शौर्य, गार्गी अग्रवाल व मधु सिंघी ने कविता पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन मधु गुप्ता ने किया। आर संदेश फाउंडेशन के वरिष्ठ पदाधिकारी गोपाल अग्रवाल एवं भारतीय अग्रवाल एकता क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल प्रमुख अतिथि थे। इस अवसर पर आभा पांडे, अनामिका मोदी एवं सोलोनी तिवारी को सेवा सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रस्ताविक भाषण कार्याध्यक्ष डॉक्टर संतोष मोदी ने दिया और सचिव अशोक आर गोयल ने मान्यवरों का आभार माना। कोषाध्यक्ष बाबूलाल नेवटिया, उपाध्यक्ष मनीष मेहता, डॉक्टर विजय शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री रमेश बंग, मीना जैन, जगदीश पांडे, डॉक्टर नारायण दास पनपलिया, डॉक्टर सुधा मोदी, अजय पांडे, टीकाराम साहू, श्रीकांत टेकाडे, कमल चांडक, राजेश साखरे, सुभाष कोटेचा, मुन्ना महाजन, रवि गुप्ता, प्रीति जैन, संजय दोषी, सपना जैन, भगवान दास राठी, विनोद इंगोले आदि मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद निर्माण ने की। आहूजा नगर नागपुर स्थित दादी सुशीला देवी संत सहज राम दरबार में संत सहज राम वर्षी महोत्सव का आयोजन श्रद्धा भाव से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्री कलगीधर सत्संग मंडल के संयोजक एडवोकेट माधवदास ममतानी द्वारा गुरबाणी कीर्तन से हुई। इष्ट देव झूलेलाल की पूजा अर्चना के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई। इंदौर से पधारे स्वामी मोहनदास व चंदनदास उदासी ने सुमधुर आवाज में जब सिंधी भजन व कलाम पेश किए तो श्रद्धालु मानो संगीत सागर में गोते लगाते हुए मंत्रमुग्ध हो गए। तीनों दिन सत्संग, सिमरन व सेवा का माहौल देखते ही बनता था। इस अवसर पर दादी सुशीला देवी ने अपने प्रवचन में कहा कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाता, उसी प्रकार संतों का जीवन भी मानव कल्याण के लिए ही होता है। दरबार के प्रबंधक सेवक सन्मुख दास सेतिया ने दरबार के धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कार्यों पर प्रकाश डाला तथा संतों व महापुरुषों का अभिवादन किया। कानपुर से पधारे किशन चंद महाराज ने लालकाने में रहन वाला साई सहजराम प्यारा प्रस्तुत कर समा बांध लिया। पूज्य गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ साहिब के भोग व पल्लव के उपरांत इस महोत्सव का समापन हुआ। हाल ही में महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस नागपुर शहर युवा कांग्रेस की ओर से गांधीबाग पुलिस स्टेशन तहसील के नवनियुक्त पीआई तृप्ति सोनोने का सत्कार किया गया। महाराष्ट्र युवक कांग्रेस के सचिव फजलुर रहमान कुरेशी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर तहसील पुलिस स्टेशन में उनका स्वागत किया गया और उन्हें बधाई दी गई। कुरेशी ने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था संबंधित चर्चा की और इसके जवाब में पीआई सोनोने ने आश्वासन दिया कि वे और उनकी पुलिस टीम दिन रात चौकस रहकर जनता की सेवा करेंगे और उन्हें सुरक्षित रखेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से नागपुर शहर युवा कांग्रेस के महासचिव अजहर शेख, नागपुर शहर युवा कांग्रेस के सचिव नबील अहमद, राकेश निकोसे, सुमित अग्रवाल, बबला अंसारी, मुबशिर अंसारी तथा युवा कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। सभी ने पीआई सोनवाने को शुभकामनाएं दी। कॉन्फिडेंस ग्रुप के लिए फाउंडेशन डे एक यादगार दिन है, जब एक बहुत बड़े सपने की नींव रखी गई और साल दर साल उस सपने को साकार करने के लिए सभी पदाधिकारियों द्वारा कठिन परिश्रम किया गया। आज जब वही सपना हकीकत में परिवर्तित हुआ है तो 9 मार्च को कॉन्फिडेंस ग्रुप के कर्मचारीगण इसे एक परिवर्तन दिन की तरह मनाते हैं। कॉन्फिडेंस ग्रुप के उस सपने को साकार करने के लिए सभी ने एक संकल्प लिया है।
उस संकल्प को अपनी जिंदगी बनाया है, उस संकल्प को हर पल जिया तथा उस संकल्प को अपने शरीर के नस नस में उतारा। आज उसी का नतीजा है कि उस सपने के साथ कई महानुभव जुड़ते गए और कॉन्फिडेंस ग्रुप जैसा एक विशाल संस्थान बना। कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज यह समूह देश के 22 राज्यों में प्रगतिशील तरीके से कार्य कर रहा है। इस समूह के पूरे देश भर में पैक्ड सिलेंडर डिवीजन के 1700 से ज्यादा डीलर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क, 16 सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 58 बॉटलिंग एवं वेल्डिंग यूनिट्स, 209 ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन एवं 3 इंडस्ट्रियल सिलेंडर यूनिट्स है। नंदनवन स्थित श्यामधाम मंदिर में फाल्गुन उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को फाल्गुन दशमी के अवसर पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों की उपस्थिति में वाठोड़ा स्थित वात्सल्य भूमि से यात्रा शुरू होकर हिबरी नगर, वर्धमान नगर, अम्बेडकर चौक, छापरू चौक, टेलीफोन एक्सचेंज, जगनाड़े चौक होते हुए श्यामधाम नंदनवन पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्याम प्रेमियों ने बाबा को निशान समर्पित किए। यात्रा के साथ रथ पर सवार बाबा श्याम की सुंदर छवि की पूजा अर्चना अनेक स्थानों पर की गई। उसी प्रकार जगह जगह पर यात्रा का स्वागत फूलों की वर्षा, आतिशबाजी व प्रसाद वितरण कर किया गया। श्याम प्रेमियों ने बाबा श्याम की जयकार लगाते हुए भजनों के साथ नाचते गाते यात्रा का आनंद उठाया। श्याम प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने मानो पूरे परिसर को श्याममय बना दिया था। राष्ट्रीय लोक अदालत ने शनिवार को विदर्भ में बिजली चोरी व बकाया के 433 पूर्व व लंबित मामलों का निपटारा किया। महावितरण से मिलने वाली रियायतों का लाभ उठाकर संबंधित ग्राहकों ने 74,48,000 रुपए का बकाया भुगतान कर दिया है। बिजली चोरी और विदर्भ के बकायदेशीर ग्राहकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने के लिए नोटिस भेजे गए थे। इसमें से 433 मामलों का निराकरण कर 74,48,000 रुपए की बकाया राशि की वसूली की गई। अकोला जिले में 5,98,000 रुपए बकाया रखने वाले 16 ग्राहकों के मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया गया। अमरावती जिले के 60 ग्राहकों ने लोक अदालत में भाग लिया और 6,32,000 रुपए का बकाया भुगतान कर अपने मामलों को निपटाया गया। यवतमाल जिले के 91 ग्राहकों ने लोक अदालत में भाग लिया और 8,00,000 रुपए का बकाया भुगतान करने के पश्चात उनके मामलों को निपटाया गया। साथ ही वाशिम जिले के 27 ग्राहकों ने 1,27,000 रुपए, गोंदिया जिले के 88 ग्राहकों ने 14,78,000 रुपए और भंडारा जिले के 37 ग्राहकों ने 1,77,000 रुपए बकाया राशि का भुगतान किया है। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत शुरू की गई नागपुर मेट्रो परियोजना के कार्य का जायजा लेने के लिए जर्मन एजेंसी KFW और फ्रांसीसी एजेंसी AFD द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि मंडल नागपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचा। टीम ने सोमवार को मेट्रो भवन में महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ. ब्रिजेश दीक्षित से मुलाकात की और परियोजना के संबंध में विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर दीक्षित ने टीम को परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल के जर्मन और फ्रांसीसी सदस्यों ने महामेट्रो द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विविध कार्यों की जानकारी ली। दोनों वित्तीय संस्थानों ने संयुक्त देखरेख मिशन के तहत दौरे का आयोजन किया है। शिष्टमंडल ने REACH 2 और REACH 4 में पूर्णता की ओर अग्रसर निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण कर कार्यों को संतोषजनक बताया है। इसी प्रतिनिधि मंडल में KFW जर्मनी के वरिष्ठ विशेषज्ञ स्वाति खन्ना, फिलिप रिच, पैट्रिशिया डेमलर एवं रजनीश आहूजा का समावेश है। इस चर्चा सत्र के दौरान महामेट्रो के प्रकल्प संचालक महेश कुमार, रोलिंग स्टॉक संचालक सुनील माथुर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विभाग के संचालक अनिल कोकाटे आदि अधिकारी मौजूद थे। भाजपा वरिष्ठ नागरिक आघाड़ी पूर्व नागपुर व रत्नदीप व्यायामशाला नंदनवन तथा युवा महिला ग्रामीण विकास विद्या प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में सावित्रीबाई फुले स्मृति दिन तथा महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में वरिष्ठ एवं उच्च शिक्षित महिलाओं का सत्कार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ नागरिक आघाड़ी के अध्यक्ष शंकर राव गायधनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन संदीप कापसे ने किया। कार्यक्रम में युवा महिला ग्रामीण विकास विद्या प्रसारक मंडल की मार्गदर्शक व अध्यक्ष सुचिता मुंडले, वरिष्ठ नागरिक मंडल के पदाधिकारी दयाराम चकोले, अरविंद भंडारकर, संदीप गायकवाड़, सचिव गायधने, प्रोफेसर दीपा हटेवार, तेजस्विनी सातपुते, कमला गायधने सहित बड़ी संख्या में मंडल के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3,090 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 5,26,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 11 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 24,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।